हनुमानगढ़ जंक्शन हाउसिंग बोर्ड से डेयरी की तरफ जाने वाली रोड का रास्ता जल्द ही खुलने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि गंगानगर रोड पर रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज का काम जोर शोर से चल रहा है। काम में तेज़ी अब लाई जा रही है और हाउसिंग बोर्ड से जो डेयरी की सड़क है वहां पर जाल बनाकर वहां से रास्ता खोलने का काम जल्द ही होने वाला है। 1 महीने के अंदर अंदर इस सड़क को आवागमन के लिए लगता यही है कि खोल दिया जाएगा, जिससे यहां से आने जाने वालों को राहत की सांस मिलेगी। रास्ता मिलने से यहां एक और कुछ महीनों से बंद रास्ता भी खुल पाएगा, आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं जाल का जो काम कर रहे हैं वहाँ मिस्त्री, उनका इस जाल के बारे में और रास्ते के बारे में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार कितने सूत का सरिया डालकर मजबूती से इसको तैयार करने का काम किया जा रहा है। सुनिए। बहुत अच्छा काम चल रहा है सर। जो जो आप सरिया लगा रहे हो कौन कौन से सूत के हैं सर? इसमें 20 का सरिया है, 16 का है, 12 का है, 10 की कुंडी है और कोशिश यही है हमारी कि 1 महीने में इसे चालू कर दें। इसको बनाने के लिए कोई खास तकनीक रहती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है जो आप जो काम कर रहे हो? जी सर। कितने सालों से कर रहे हो काम आप? सर हो गए इस काम को करते हुए 10-15 साल। जो हमारा ठेकेदार है इंतजार गुज्जर हुसैनपुर के, उसके थ्रू काम करते हैं। और छत डालने के बाद जो सड़क चालू हो जाएगी? जी सर 1 महीने में चालू हो जाएगी। चालू हो जाएगी। क्या नाम आपका? उस्मान। हाउसिंग बोर्ड और नई खुंजा के लोगों को यहां से ट्रक यूनियन शिफ्ट होना और इस रास्ते का खुलने का बेसब्री से इंतज़ार भी है कि कब यह रास्ता खुले, कब यहां से ट्रक यूनियन भी शिफ्ट हो जाए ताकि यहां पर ट्रकों की जो आवाजाही रहती है वह भी बंद हो जाए, यातायात सुगम यहां से हो जाए। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।